नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 21 का हमें पहला सुपर ओवर देखने को मिला और क्या रोमांचक सुपर ओवर देखने को मिला दोस्तों। आईपीएल 21 में पहले भी कई सांस रोक देने वाले मुकाबले हुए थे, लेकिन दिल्ली और हैदराबाद के बीच मुकाबला सुपर ओवर में चला गया। लास्ट ओवर में हैदराबाद को जीत के लिए 16 रन की जरूरत थी और वो 15 रन ही बना पाती है और मुकाबला सुपर ओवर में चला जाता है। हैदराबाद की तरफ से सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने आते हैं केन विलियमसन और डेविड वार्नर। वहीं दिल्ली की तरफ से सुपर ओवर का कमान संभाला स्पिनर अक्षर पटेल ने। अक्षर पटेल की पहली गेंद वार्नर खेलते हैं और वो डॉट बॉल हो जाती है, लेकिन वार्नर अगली गेंद पे एक रन देकर केन विलियमसन को स्ट्राइक पे लाते हैं और अक्षर पटेल की तीसरी गेंद पर केन विलियमसन शानदार चौका जड़ देते हैं और 3 बॉल में हैदराबाद के हो जाते हैं 5 रन। लेकिन अगली गेंद फिर खाली निकाल देते हैं अक्षर पटेल और ओवर की 5वीं बॉल पर 1 रन लेग बाइज के रूप में आता है और आखिरी गेंद पर भी वार्नर सिर्फ 1 रन ही बना पाते हैं और यहां हैदराबाद ने अपने सुपर ओवर में 7 रन बनाती है और दिल्ली के सामने सुपर ओवर में 8 रन का लक्ष्य रख देती है। दिल्ली की तरफ से बैटिंग करने आते हैं शिखर धवन और ऋषभ पंत। वहीं हैदराबाद की तरफ से गेंदबाजी का कमान संभाला राशिद खान ने। राशिद की पहली ही गेंद गूगली होती है जिस पर ऋषभ पंत 1 रन ले पाते हैं। अब यहां से दिल्ली को 5 गेंद में 7 रन की जरूरत थी। अगली गेंद पर धवन भी सिर्फ 1 रन ही ले पाते हैं, लेकिन ओवर की 3री बॉल पर पंत ने रिवर्स स्वीप के जरिए एक शानदार चौका लगाया और अब दिल्ली को जीत के लिए 3 गेंद में 2 रन की जरूरत थी। लेकिन राशिद खान अगली बॉल भी खाली निकाल देते हैं। अब दिल्ली को 2 गेंद में 2 रन की जरूरत। राशिद खान की अगली गेंद पर ऋषभ पंत 1 रन ले पाते हैं। अब दिल्ली को आखिरी गेंद पर 1 रन की जरूरत थी। सामना कर रहे थे राशिद खान का शिखर धवन और वो खेलते हैं, अपील होती है, लेकिन इसी बीच 1 रन भागकर दिल्ली यह मुकाबला जीत लेती है सुपर ओवर के माध्यम से।